नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे, हस्तरेखा गुरु में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जानते हैं कि प्रथम संतान हमारी पुत्र होगी अथवा पुत्री। इसको जानने का ज्योतिष में जो उपाय है मित्रों, मैं बस आपसे वही शेयर करना चाहता हूँ। ज्योतिष में माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में मणिबंध रेखाओं की संख्या 3 है तो उस व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र होता है। अर्थात मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के हथेली में, दाहिने हाथ की हथेली में 3 मणिबंध रेखाओं की संख्या 3 हो और बाएं हाथ की हथेली की रेखाओं में भी मणिबंध की संख्या 3 हो तो ज्योतिष में माना गया है कि इस व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र अवश्य होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ऐसा ज्योतिष में माना गया है। परंतु मित्रों, मैं बता दूं, पुत्र या पुत्री का आकलन एक और तरीके से भी किया जाता है जिसका ज्योतिष में जिक्र है। बताया गया है कि संतान रेखा जो कि बुध पर्वत के यहाँ होती है, खड़ी रेखा है बुध पर्वत पर, इस तरह से संतान रेखाओं की पुष्टि करती हैं। इस तरह से अगर कोई खड़ी रेखा है, यदि रेखा इस तरह से कोई एक स्पष्ट खड़ी रेखा इस पर्वत पर जो बुध पर्वत लिखा है यहाँ नीचे, यहाँ मैं हस्तली में आपको दिखा दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इस स्थान पर यदि कोई खड़ी रेखा है तो वह संतान रेखा की पुष्टि करती है, जैसा कि आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा, ये रेखा जैसे हुई या ये रेखाएं हुई, ऐसे इस तरह से संतान रेखाएं की पुष्टि होती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, यहाँ संतान रेखाएं पाई जाती हैं। और ज्योतिष में माना गया है कि यदि व्यक्ति के यहाँ जो बुध पर्वत हमारा है इसके निचले वाले भाग में, यहाँ पर यदि खड़ी रेखा विवाह रेखाएं को जो काट रहे हैं, विवाह रेखाओं को, यदि रेखा सुदृढ़ है और मोटी और साफ सुथरी है तो वो पुत्र योग बताती है, और नहीं है हल्की है रेखा तो वो पुत्री योग बताती है। परंतु मित्रों, एक और तरीका यह है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 3 मणिबंध हो, जिस तरह से व्यक्ति देख सकते हैं आपकी एक दो सॉरी 3 मणिबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रेखा ये है जो कि पूरी स्पष्ट यहाँ तक आने वाली है, एक ये साथ यहाँ मणिबंधों की संख्या 3 बनने वाली है, यहाँ भी आप देख सकते हैं तो मणिबंधों की संख्या 1 2 तीसरी मणिबंध यह बन रहा है। इस प्रकार से स्पष्ट 3 मणिबंध संख्या पहला संतान पुत्र योग बताती है। और इसके लिए अगर महिला का हाथ अर्थात और पुरुष की औरत का हाथ देखा जाए तो और बेटर है, उनके हाथ में भी 3 3 अगर मणिबंध रेखाओं की संख्या है तो पुत्र प्राप्ति, प्रथम संतान पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलता है। मित्रों, ये जानकारी ज्योतिष से ली गई है और ये मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि यह 100% वर्क करे, परंतु मेरे देखने में जहां तक आया है कि लगभग 70 से 80% ये रेखा सही बतलाती है। मित्रों, मैं जानकारी मेरी तरफ से जो था हमने दे दिया। कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज्यादा से ज्यादा महत्व एवं बल प्रदान करें ताकि मैं समाज में एक अच्छा और संदेशवाहक वीडियो जरूर डाल सकूं और लोगों का भला कर सकूं। धन्यवाद मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल हस्तरेखा गुरु।